एमपी की लाडली बहनें रक्षाबंधन के पहले दुगनी खुशियां मना रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहन योजना के हितग्राही बहनों के खातों में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर 250 रुपए की अतिरिक्त राशि शगुन के रूप में भी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीकमगढ़ में लाडली बहना हितग्राहियों के लिए आभार से उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ का विवरण दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को स्व सहायता समूह के बहनों ने विशाल राखी भेंट की। मुख्यमंत्री यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बहनों और भाइयों के बीच का रिश्ता टूट है, ऐसा लग रहा है मानो आज ही राखी बन गई हो। लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए के साथ रक्षाबंधन से पहले 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। हमारी सरकार के इस निर्णय से पूरे प्रदेश में माहौल बदला है। आज लगभग 25,000 से ज़्यादा स्थानों पर सिंगल क्लिक के माध्यम से रक्षाबंधन की 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,250 रुपया लाडली बहना का और 250 रुपया रक्षाबंधन का डाला गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश के साथ ग्वालियर अंचल में श्योपुर जिले के अंदर और सागर संभाग में टीकमगढ़ दोनों स्थान पर मैं शामिल हुआ। यहाँ विजयपुर के स्थान पर माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री रामनिवास रावत जी और हम सब ने मिलकर के धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।